तो आज के वचन का जो टाइटल है वो है कलीसिया का महत्व और उसके साथ संगति का महत्व क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग कहां बैठे हैं? हेलो, कहां बैठे हैं? तो कलीसिया की इंपॉर्टेंस क्या है, कलीसिया का महत्व क्या है, कलीसिया है क्या, परमेश्वर ने कलीसिया क्यों बनाई है यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज को जानेंगे तो हम और कलीसिया को महत्व देंगे, कलीसिया में आने को महत्व देंगे, कलीसिया में कैसे रहना है उसको महत्व देंगे, कलीसिया में कैसे सुनना है उसको महत्व देंगे। यानी कलीसिया हमारे जीवन में कितना फल लेकर आता है इसको हम जानेंगे, और ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया क्या है, जो नए भाई बहन है वो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। हालेलुया। अगर ना समझ आए तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन कलीसिया का महत्व और उसके बाद संगति, आपस में जो संगति है, जैसे हम अभी कर रहे हैं संगति, हालेलुया, उसके संग संगति का महत्व क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कलीसिया का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कलीसिया का अर्थ क्या है। यूनानी भाषा में कलीसिया को एक्लीसिया कहा गया है, यूनानी भाषा में कलीसिया को एक्लेसिया कहा गया है, और इब्रानी शब्द में काहाल कहा गया है। इब्रानी भाषा में उसको क्या कहा गया है? काहाल, यानी कि समाज, विश्वासियों का झुंड। काहाल का मतलब है विश्वासियों का झुंड, कलीसिया का मतलब है एक्लेसिया, और इब्रानी भाषा में काहाल यानी कि विश्वासियों का झुंड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। श्रेष्ठ गीत निकालेंगे हम, श्रेष्ठ गीत 4:12। कलीसिया क्या है, कलीसिया परमेश्वर ने क्यों बनाई है, यीशु मसीह ने कलीसिया को क्यों इजाद किया है, कलीसिया में हमको रहने की आज्ञा क्यों है, कलीसिया से जुड़कर रहना हमें क्यों चाहिए। हालेलुया। ये सारी चीजें हमें बताई जाएंगी। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 4:12। मेरी बहन, मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। कौन है? प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या कहा है? दुल्हन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कलीसिया क्या हुई? दुल्हन। किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की। हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। यहां जो मेरी बाइबल कहती है कि हाँ, मेरी दुल्हन तो एक बंद फुलवारी सी है। कलीसिया क्या है? एक बंद फुलवारी, एक ऐसी खुशबूदार फुलवारी के जो सबके लिए नहीं है, जिसको चुना गया है उसी के लिए है। वो ऐसी फुलवारी है जिसमें खुशबू है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया में जब आप आते हैं तो आपके खुशबू का एहसास होता है, नए जीवन की खुशबू का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है, सुरक्षा का एहसास होता है कि हम यहाँ पर सुरक्षा की जगह में आए हैं, ये जगह सुरक्षित है, यहाँ पर परमेश्वर हमें आशीष देगा और हम परमेश्वर के सुख को पाएंगे। हालेलुया। तो कलीसिया क्या है? हाँ, मेरी बहन, मेरी दुल्हन तो एक बंद फुलवारी सी है, चट्टानों से रुंधा हुआ बाग है। कलीसिया एक ऐसा बाग है जिसके चारों तरफ चट्टान है। अधलोक के फाटक इसमें प्रबल नहीं होते हैं। हालेलुया। अधलोक के फाटक इसमें प्रबल नहीं होते हैं। हालेलुया। अय्यूब 38:17, अय्यूब 38:17 आप देखेंगे तो आपको कलीसिया के बारे में बताया जाएगा। अय्यूब, जोब 38:17 के बारे में अगर आप देखेंगे तो बताया जाएगा। क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? प्रेज द लॉर्ड। जो कलीसिया में रहता है, मृत्यु के फाटक उस पर प्रबल नहीं होते। क्या कहता यीशु मसीह ने पत्रस से कि अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। कलीसिया कौन है? कलीसिया क्यों बनाई है परमेश्वर? जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम जुड़ते हैं, तो अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होते हैं। क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया? हम जब कलीसिया में आते हैं तो अंधकार हमारे जीवन से निकल जाता है, एक ज्योति हमारे जीवन में आती है, एक आशा हमारे जीवन में आती है,
एक सुख हमारे जीवन में आता है, प्रेज द लॉर्ड, एक उम्मीद हमारे जीवन से बंध जाती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है चट्टानों से रुंधा हुआ बाघ और बंद किया हुआ सोता है। कलीसिया क्या है? चट्टानों से रुंधा हुआ बाघ और बंद किया हुआ सोता है। वो सोता है जो जीवन की प्यास बुझाता है। वो झरना है कलीसिया में जिससे आप जीवन की प्यास बुझाते हैं। लेकिन वो जीवन की प्यास कब आपकी बुझती है? जब आप कलीसिया में आते हैं, जब आप कलीसिया से जुड़ते हैं। कलीसिया का महत्व मेरी बहन बहुत है। मैं आज चाहता हूं कि आप कलीसिया के महत्व को जानिए, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर ने बनाई है। कलीसिया ही यीशु मसीह उठाकर ले जाएगा। कलीसिया से जुड़ा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबोपदेशक 5:1, कलीसिया हमें सुरक्षा देती है। कलीसिया हमें परमेश्वर की पहचान बताती है, उसकी योजनाओं के बारे में बताती है, उसके मन में क्या है वो बताती है। लोग समझते हैं कि कलीसिया में चंगाई मिलती है, भविष्यवाणियां होती हैं, हमारे लिए नौकरी मिलती है, हमें धंधा अच्छा होता है, वो सब होता है। लेकिन कलीसिया बनाई इसलिए गई थी ताकि आप परमेश्वर को जाने, ताकि आप प्रभु के नियम को जाने, उसके मन को जाने कि उसका मन क्या कहता है। कलीसिया में आकर हम प्रभु को जाने और उसके करीब आए। जितना आप उसको जानेंगे उतने ही आप उसको करीब आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कलीसिया में हमें आना कैसे है? देखिए बाइबल एक एक चीज के बारे में बताती है कलीसिया में हमें आना कैसे है। कलीसिया हमने जाना क्या लिखा है कि साहब एक ऐसी बंद फुलवारी है जिसमें खुशबू है, अद्भुत आशीष है, शांति है, सुख है, उन्माद है। वो ऐसी बंद खुलवारी है, चट्टानों से घिरा हुआ बांध है, बाग है जिसमें हर कोई नहीं आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर ऐसे सोते हैं, ऐसे झरने हैं जो आपको जीवन की प्यास बुझाते हैं। हालेलुया। जीवन का जल देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया से जुड़ना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया से जुड़ना हमारे लिए बहुत आशीषित है। हालेलुया। अब कलीसिया में आना कैसे है? सबोपदेशक 5:1 हमारी बहन पढ़ेंगी। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए। कलीसिया को परमेश्वर का भवन कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन। जब तू परमेश्वर के, आप किससे मिलने जा रहे हैं? आप किसके पास आ रहे हैं? परमेश्वर के पास। हमें सोचना है कि हम कहां आ रहे हैं। परमेश्वर का भवन, अगर परमेश्वर का भवन ये है, कलीसिया है, तो इसका मतलब परमेश्वर यहां पर है। Yes. हालेलुया। आप मेरे घर में आएंगे तो मैं आपको मिलूंगा। मैं आप मुझे अपने घर बुलाएंगे तो आप मुझे मिलेंगे। यानी कि वो आपका घर है तो उसमें वहां पर होंगे आप। मैं आपको बुलाऊंगा तो मेरे घर में मैं होऊंगा। ये नहीं कि मैं आपको बुलाऊं और घर खुला छोड़ के चला जाऊं, मैं नहीं रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का घर है कलीसिया। तो यानी कि परमेश्वर का अगर घर है तो परमेश्वर वहां मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? हमें उस पिता परमेश्वर से कैसे मिलना है? उस कलीसिया में कैसे जाना है? हेलो, हम उस पवित्र धाम में जाने वाले हैं जो सबसे ऊंचा है। जैसे ही हम संसार से निकलकर अपना पैर परमेश्वर के घर में रखते हैं, कलीसिया में रखते हैं, हम आत्मिक वातावरण में आ जाते हैं। हेलो, ध्यान दीजिए। आप संसार से निकलकर जैसे कलीसिया में कदम रखते हैं, आप एक आत्मिक वातावरण में आ जाते हैं। आपका जो वातावरण है अभी आत्मिक हो जाता है, शारीरिक नहीं रहता। और आत्मिक रूप में नहीं चलेंगे तो आप खोएंगे। अगर कलीसिया में रहते हुए आप शरीर का इस्तेमाल करेंगे, आत्मा का इस्तेमाल करेंगे, तो आप परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। अगर शरीर के द्वारा आप अगर यहां पर बैठेंगे तो आपकी आपका जो लालसा होगी, आपकी जो कामना होगी, जो आपकी प्रार्थना होगी, छोटी शरीर से रिलेटेड होगी। लेकिन जैसे आप आत्मा से, आत्मा के साथ जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, जब अपनी आत्मा के द्वारा
परमेश्वर से मिलने की कोशिश करेंगे, जब अपनी आत्मा से देखेंगे, अपनी आत्मा से सुनेंगे, तब आप आशीष पाएंगे, तब आप परमेश्वर के वचनों को समझ पाएंगे और तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। कलीसिया की बहुत 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 बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। आजकल कलीसियाओं में इसी तरीके से आ जाते हैं, 10 बजे की सर्विस है, 10:30, 11:30 बजे आराम से आ रहे हैं, कोई भी ड्रेस पहन के आ जाते हैं, किसी भी तरीके से आ जाते हैं, कोई भी मन लेकर आ जाते हैं, गाना सुनते हुए आए थे, गाना बंद किया, गाना अंदर आ गया कलीसिया में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम मिलने किससे जा रहे हैं। हम कलीसिया जा रहे हैं, वो किसी आदमी का घर नहीं है, किसी पासवान का घर नहीं है, वो परमेश्वर का घर है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी ये चीज है कि मेरे भाई, हमें परमेश्वर के घर में कदम रखने की परमेश्वर ने कृपा की है। हालेलुया। ये कृपा हर एक को नहीं होती है। हम परमेश्वर के घर में कदम रख रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भवन में वो क्या कहता है, सब उपदेशक में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना। प्रेज द लॉर्ड। सावधानी से चलना। संसार में तू तो ऐसे ही चलता है, आप घर से निकले, संसार से जाना था आपको, चीन पहुंच गए, जापान। क्यों? क्योंकि सावधानी नहीं है। कुछ मन लेके निकले, कोई मिल गया, अच्छा यहां जाना, यहां चले गए। प्रेज द लॉर्ड। घर से पत्नी ने कहा गोभी का फूल लेकर आओ, आपको गाजर 80 लगी, आपने गाजर ले ली। सावधान नहीं है आप, आपके जीवन में सावधानी नहीं है। कलीसिया आपको सिखाती है कि आपको सावधान रहना है। और अगर आप परमेश्वर के साथ जो संबंध बना रहे हैं उसमें अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे मेरे भाई, तो आपके जीवन में भी जो संबंध है वो टिक नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम किससे मिलने जा रहे हैं? कौन हमारी बात सुनेगा? कौन हमारी राह देख रहा है? सबसे बड़ी चीज है कि परमेश्वर के भवन में आपके आने से पहले परमेश्वर होता है। और वो आपकी राह देख रहा है कि मेरे बच्चे आ रहे हैं। हालेलुया। हमें इस चीज को समझना है कि हम मिलने किससे जा रहे हैं? परमेश्वर से। हम कहां जा रहे हैं? परमेश्वर के भवन। वहां कौन मिलेगा? परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है कि परमेश्वर के भवन में जाएं, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। परमेश्वर के समीप जाना, सुनने के लिए अपने कानों को परमेश्वर के भवन में रखना। कई बार होता है हम रहते तो यहां पर, लेकिन हमारे कान कहीं होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन कहीं होता है। अगर आपका मन, आपके कान कहीं होंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है? मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। मूर्खों की तरह मत बैठिए कलीसिया में। लोग उठे, आप उठ गए, लोग बैठे, बैठ गए, लोगों ने ताली बजाई, ताली बजाए, लोगों ने हालेलुया कहा, आपने हालेलुया कहा, लोगों ने आमेन कहा, आमेन कहा। मूर्खों की तरह बात मत करिए। मूर्खों के बलिदान को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। आप 10 बार उठक बैठक लगा लें, घुटने पर आ जाएं, लेकिन अगर आत्मा से आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं, अगर आत्मा से आप प्रभु के करीब नहीं हैं, तो आप आशीष नहीं पा पाएंगे, आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसलिए वो कहता है, देखिए योहन्ना 15:2, जॉन 15:2, आपको कलीसिया से जुड़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की राह देखनी पड़ेगी। कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर का घर है?
कितने विश्वास करते हैं कि अगर ये परमेश्वर घर है तो परमेश्वर यहाँ पर है? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है तो परमेश्वर उसी उसी तरीके से बैठिए। हालेलुया। हम किसी घर जाते हैं ना, कोई हमें बुलाता है और हमारा बच्चा बैठा होगा आराम से, कोई वो नहीं भी होंगे, हमें जिसने हमें बुलाया है वो अंदर रूम में होंगे तब भी हम आराम से बैठेंगे, नहीं उन्होंने बुलाया है बच्चा कुछ लेने को, नहीं अभी नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, हमें बुलाया है, हम कहाँ पर हैं? किसी ने हमें बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 15:2 क्या कहता है? जो डाली मुझ में है। किस में है? कलीसिया मुझ में है, परमेश्वर में है, यीशु में है। देखिए कलीसिया यीशु की देह है, कितने लोग विश्वास करते हैं? बाइबल कहती है कि कलीसिया यीशु की देह है और यीशु सर है। कलीसिया का सर कौन है? कलीसिया का सर कौन है? और कलीसिया यीशु की देह है और हम कौन है? हम उसके अंग हैं। हालेलुया, हम उसके अंग हैं। आप अगर हाथ हैं तो ये पैर हैं, ये आंखें हैं। हालेलुया, हम उसके अंग हैं और हमें अपना अपना काम दिया गया है। अगर आप परमेश्वर के भवन में आएंगे, उससे जुड़ेंगे, उसके अंग बन जाएंगे, तब आपको परमेश्वर बताएगा। इसलिए वो क्या कहता है कि जब आप बिना चुने, ये याद रखिए, आप बिना चुने कलीसिया में नहीं आ सकते। आपको अगर परमेश्वर ने नहीं चुना है, आप कलीसिया में आ ही नहीं सकते। इसलिए वो कहता है यूहन्ना 15:16 का कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और सिर्फ चुना ही नहीं है, चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको चुना है और चुनकर क्या किया? एक कलीसिया में आपको जोड़ दिया। इस कलीसिया में आपको परमेश्वर ने जोड़ा है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कलीसिया में किसको किसे जोड़ा है? परमेश्वर ने। इस कलीसिया में जाओ, इस कलीसिया में तुम्हें उद्धार मिलेगा। जब आप कलीसिया में सही, जो चुनी हुई कलीसिया में आते हैं तो आपकी समझ खुल जाती है, आपको समझ आना शुरू करता है, हाँ यार ये सही है, ये सही है, नहीं तो आप भटकते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यह ना 15:16 कहता है कि तुमने मुझे चुना है और चुनकर नियुक्त किया है, यानी कि चुनकर परमेश्वर ने आपको कलीसिया में डाल दिया, कलीसिया के साथ जोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब भजन संहिता 119:73, भजन संहिता 119:73 क्या कहता है? कि तेरे हाथों ने मुझे संवारा है और तेरे हाथों ने मुझे रचा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 15:16 क्या कहता है? कि तूने मुझे चुना है और चुनकर नियुक्त किया है। चुनकर आपको परमेश्वर ने कलीसिया के संग जोड़ दिया। अब आप संवारे कहां जा रहे हैं? कलीसिया में। आपका निखार कहां हो रहा है? कलीसिया में। हेलो, जब आप उसके अंग बन जाते हैं तो आपका निखार होता है। आपको नहीं पता, आप अंदर से निखारे जा रहे हैं, आप अंदर से चेंज हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके मन को चेंज कर रहा है, आपकी आत्मा को जिंदा किया है, आपको मन को नया किया है, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डाला है। परमेश्वर आपको नया कर रहा है, संवार रहा है। हालेलुया। कहां पर? कलीसिया में। इसलिए वो कहता है यूहन्ना 15:2 दोबारा लाइएगा, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हेलो, अगर आप परमेश्वर के चरणों में हैं, देखिए परमेश्वर से जुड़ा कोई भी व्यक्ति होगा उसको फलना ही है। yes. निश्चित आप जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज ये बच्चा है और इसके अंग इसके संग जुड़े हुए हैं, ये 10 साल के बाद ये भी बढ़ेगा और उसके अंग भी बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें कोई नहीं कि साहब ये इसका सिर बढ़ेगा लेकिन हाथ नहीं बढ़ेगा, पैर नहीं बढ़ेंगे, नहीं, सब कुछ बढ़ेगा। इसलिए हम कलीसिया में उसके अंग हैं, कलीसिया उसका शरीर है और हम उसके अंग हैं। इसलिए हम अगर कलीसिया से जुड़े रहेंगे तो हमारी बढ़ोतरी, हमारा बढ़ाव, हमारा आशीष मिलना हमें
नियत है, हमें पक्का है, निश्चय है वो। yes. आप रोक ही नहीं सकते। सही तरीके से जुड़िए कलीसिया में, सही तरीके से जुड़िए ब्रदर, आपकी उन्नति निश्चित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे छांटे। प्रेज द लॉर्ड, मुझे छांटे। अभी भी कोई है छांट के मुझे बड़ा कर। हालेलुया, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको छांटेगा। हालेलुया, आपको छांटेगा और आपको बड़ा करेगा, आपकी खामियों को, आपकी रुकावटों को दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है नीति वचन 4:20-23 के बीच में, कलीसिया नया जन्म पाए हुए लोगों का कवच है। yes. अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि कलीसिया क्या है, कलीसिया नए जन्म पाए हुए लोगों का कवच है, एक शील्ड है जो हमको बचाता। yes, yes. Amen. और मुझे तो लगता है कि अगर नए जन्म पाए, अगर कलीसिया नहीं होता और हमने नया जन्म पा लिया होता तो हमारा जीवन बहुत खतरे में होता। कलीसिया में आना, कलीसिया में रहना हमारे लिए एक सुरक्षा का चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नीति वचन 4:20-23 क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, कलीसिया में जैसे ही आप जुड़ते हैं आप उसके पुत्र बन जाते हैं, उसकी पुत्रियां बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है हे मेरे पुत्र। अब यहां पर परमेश्वर, जब आप कलीसिया में है तो परमेश्वर आपसे क्या कहता है, निवेदन कर रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरी बात सुन, तू कैसे इस कलीसिया में रह सकता है, कैसे तू आशीष पा सकता है, कैसा तेरा जीवन सफल होगा, कैसा मेरा अभिषेक तेरे जीवन में काम करेगा, कैसे मेरा सामर्थ्य तुझे दिखाई देगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, मैं तुझसे प्रार्थना कर, निवेदन करता हूं कि मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान को धरो फिर सुनो। अपने कान मेरी बातों पर लगा, इधर उधर की बातों में मत लगा क्योंकि वो बातें फिजूल हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा धंधा कितना हुआ, संसार में क्या चल रहा है, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स हैं, मेरा पति क्या कर रहा है, मेरी पत्नी क्या कर रहा है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी चीजें जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब आप उसके वचन कान लगा के सुनेंगे, अपने आप आपके घरों का जो वातावरण है बदलना शुरू हो जाएगा, आपके जो बिजनेस का वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी देह के अंग हैं। हम उसकी देह के अंग बने। योहन्ना 17, प्रेज द लॉर्ड, 21-22 देखिए, आप ध्यान से समझिए, कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, कौन या किसकी बात कर रहा है यीशु, हमारी, कि वे सब एक हो जैसे हे पिता तू मुझ में है। हेलो, ध्यान से समझिए अभी, जैसे हे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो। जब पिता स्वर्ग से यीशु जमीन पर आया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु का कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कौन है, पिता, मैं पिता को करते देखता हूं, जो पिता कहता मैं वो करता हूं। हालेलुया, यानी कि पिता का सामर्थ किस में बह रहा है, पिता का सहवन सामर्थ किस में बह रहा है, यीशु मसीह में, उसके पुत्र में। हालेलुया, तो क्या कहता है, जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, इसलिए तेरा सामर्थ मुझ में बह रहा है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे वो कहता है कि यीशु किसके साथ जुड़ा हुआ है? कलीसिया के साथ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, मैं जैसे तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जैसे कि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है, और वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। हालेलुया, हेलो हेलो, आप लोग समझे नहीं? प्रेज द लॉर्ड। जो सामर्थ, जो महिमा, जो आशीष तूने मुझे दी है मैंने कलीसिया को दी है। यीशु कलीसिया का सर है। प्रेज द लॉर्ड। जो तूने मुझे दी है सामर्थ, हालेलुया, जो शक्ति तूने मुझे दी है, क्या कहता है? मैंने उन्हें दी है। प्रेज द लॉर्ड, कि वैसे ही वे भी एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। इसलिए वो कहता है कि हम उसके अंग बने रहें। हेलो, आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? जो सामर्थ पिता ने अपने पुत्र को दिया है, वही सामर्थ पुत्र ने अपने बच्चों को दिया है जो कलीसिया में है। मत्ती 16:18 निकालिए, मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमेन। यानी कि यहाँ पर यीशु मसीह घोषणा करता है कि तेरे विश्वास पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। विश्वास के बिना हम कलीसिया में आए, हमारा कोई भी सफलता नहीं है। हालेलुया। बिना विश्वास के आप कलीसिया में कुछ नहीं कर सकते। 19वां, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां समझते हैं? यस। चाबियां? यस। हालेलुया, हालेलुया। कल हम अपनी बहन के घर गए थे खाना खाने के लिए, इनके यहाँ चाबियां लटकी हुई थी यहाँ पर। सोनी के यहाँ पर चाबियां लटकी, गुच्छा चाबियां। हालेलुया। वो चाबियां क्या बताती हैं? अधिकार। वो चाबियां क्या बताती हैं? सर्वोच्च अधिकार। यानी कि स्वर्ग का सर्वोच्च अधिकार किसको दिया गया है? कलीसिया को। मैं तुझे कलीसिया को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। औरतों को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। कोई दूसरे के पास तो नहीं है, इसलिए लगा के रखते हैं यहां पर। अच्छी चीज है। लेकिन उन सर्वोच्च अधिकार, जो सर्वोच्च अधिकार स्वर्ग का है, वो यीशु किसको दे रहा है? कलीसिया को दे रहा है। कलीसिया के पास सर्वोच्च अधिकार है मेरे भाई। इसलिए वो कहता है नीति वचन 20:21, उस अधिकार को हमें समझना है और उस अधिकार को हमें लेना है। सिर्फ अधिकार है यही मतलब नहीं है। उस अधिकार, जिसके पास बड़ा अधिकार होता है उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। सिर्फ अधिकार लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको बनाया जाएगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, रात दिन की आपकी नींद खराब हो जाएगी। इतना बड़ा आपको ओहदा दिया जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या करना है हर घंटे हर मिनट। प्रेज द लॉर्ड। या हम एक छोटी सी कलीसिया चलाते हैं तो रात दिन हमें फोन आते हैं कोई यह प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक बड़ी भूमिका निभाना आसान नहीं है, एक बड़ा अधिकार लेना आसान नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैंने तुझे स्वर्ग की कुंजियां दी है, यानी कि सर्वोच्च अधिकार दिया है। प्रोवर्ब्स 4:21, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। हाँ, जो वचन कहता है, पहले क्या कहता है? पितु पुत्र तू मेरे वचनों पर कान लगा, तू वचनों को ध्यान दे, मेरे वचनों को ध्यान दे। जब तू कलीसिया आता है,
मैं जो बोल रहा हूँ आज आप क्या समझ रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है। मुझे ये बनाने की बुद्धि किसने दी? पवित्र आत्मा ने। इस समझ किसने दी? पवित्र आत्मा ने। ये आज ही नहीं बन गया है, ये एक हफ्ते से मैं बना रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को कलीसिया के महत्व के बारे में बताऊँ। क्योंकि कलीसिया में कभी आप देर से आते हैं, कभी आते हैं, बात करते हैं, कभी आपका मोबाइल बजता है, कभी आप सोने लगते हैं, कभी आप यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। नहीं, इसके महत्व को समझिए आप। अगर आप फलना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आपका आप चाहते हैं कि आपका पालन पोषण यीशु मसीह के द्वारा हो, तो आप कलीसिया से जुड़े रहें। इसलिए वो कहता है 4:21, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। इनको, ये जो वचन है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, वरन अपने मन में धारण कर ले। जो वचन तू कलीसिया में सुनता है, जो मेरे वचन है, जो मेरा मन कहता है, उसको अपनी आंखों की ओट मत होने दे, आंखों से जाने मत दे। जैसे आपका बच्चा होता है ना, कई साल के बाद अगर आपका बच्चा होगा तो आप कहते हैं नहीं नहीं बच्चा मेरे सामने रहे। आपका इतना लाड प्यार होता है, एक रूम से दूसरे रूम में भी जाएंगे तब आप भी ऐसे देखते हुए जाएंगे कि बच्चा सो रहा है ना। हालेलुया, तो मेरी आंखों की ओट मत होने दे। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अपनी आंखों से ओट नहीं होने देते। लेकिन प्रभु का कहता है कि मेरे वचन उन सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले। कोई और विचार तेरे मन में आए इससे पहले वचन प्रभु ईश्वर के वचन तेरे मन में आए? 22वां, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनको ये प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? समझ। जिसने कलीसिया को समझ लिया, जिसने उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया, जिसने जान लिया कि वचन क्या है, जिसने जान लिया कि वचनों की कीमत क्या है, उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, आराम से आपका जीवन चलेगा। क्यों होती है आपके जीवन में बीमारियां? क्योंकि आप वचनों के अनुसार नहीं, आपके अंदर वचन काम नहीं कर रहे हैं तो पाप काम कर रहा है। हालेलुया, आपके जीवन में वचन होना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रेज द लॉर्ड, सबसे अधिक, क्योंकि तेरा जो मन है ना, वही बहरूपिये की तरह वही है जो मचलता है और तुझे गलत रास्ते पे लेके जाता है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही वही है, मन है। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आपके मन को बदला है। यिर्मयाह 17:9 हमने कई बार पढ़ा है, दोबारा देखते हैं। यिर्मयाह 17:9, तेरा मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है। परमेश्वर खुद कह रहा है, तेरा मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसलिए उसका भेद कौन समझ सकता है? आपका मन अब क्या कह रहा है और 5 मिनट के बाद क्या कह रहा है आपको नहीं पता। 5 मिनट के बाद आप कौन सी बात पर हंसेंगी और आप मुरझा जाएंगी, उदास हो जाएंगी, आपको नहीं पता। किसकी बात आपको दुखी कर देगी, किससे आप झगड़ा कर लेंगे, आपको नहीं पता। क्योंकि आपका मन, उस पर आपको अंकुश लगाना है। इसलिए वो क्या कहता है, आपका नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन को, मन की रक्षा कर। हालेलुया, मन की रक्षा कर। अगर आप कहीं बैठे हैं और कहीं कोई गलत बात चल रही है
प्लीज हट जाइए वहां से, कि ना तो मैं सुनूंगा और ना ही ये बात मेरे कानों में पड़ेगी और ना ही मेरा मन दूषित होगा। कहीं कुछ देख रहे हैं और गलत गलत कोई पिक्चर आती है, इमीडिएट हटा लीजिए, क्योंकि वो पिक्चर आप आंखों से देख रहे हैं लेकिन वो कहां जा रही है? मन में। उसकी छवि कहां जा रही है? प्रतिमा मन में, आपके मन को दूषित कर रही है। कोई गलत बात आप सुन रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, रक्षा करिए, हट जाइए वहां से, ताकि वो बात आप सुने ही ना, ताकि आपका मन दूषित ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मत्ती 5:8 क्या कहता है? धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हेलो, आप अगर मन की शुद्धता नहीं रखते हैं तो आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। इसलिए वो कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, सबसे ज्यादा अपने शरीर की मत कर। हम अपने यहाँ पर लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर वाउडर लगा कर, चश्मा, बाल वुल, पूरी शरीर की हम रक्षा करते हैं। अरे अच्छे कपड़े, वो मन की तरफ देखते ही नहीं। मन तो हमारा दूषित नहीं हो रहा है? मेरा मन दूषित ना हो, कोई मैं ऐसे काम ना करूं जिससे मेरा मन दूषित हो। 24वां, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। अपने हृदय की चौकसी कर और पूरे यत्न से कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कलीसिया में अपने मन की रक्षा कर। शैतान जो है तेरे मन को भटकाने की कोशिश करेगा, इसलिए कलीसिया आने से पहले अपने मन को बना, अपने मन की रक्षा कर। कलीसिया आने से पहले प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के घर जा रहा हूं, मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं, जीवन का वो सोता पाने जा रहा हूं जो मेरी प्यास हमेशा बुझा देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, क्योंकि आप जब कलीसिया में है तो परमेश्वर आपको एक अधिकार देता है। यशाया 58:11-12, यशाया 58:11-12, ध्यान से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। किसको लिए चलेगा? कलीसिया। जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। एक दिन, दो दिन नहीं, एक घंटे, दो घंटे नहीं। जो कलीसिया से जुड़े हैं, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन, आमीन, धन्यवाद। संकट के समय, मुश्किल के समय तेरी हड्डियों को तृप्त करेगा, तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सोचिए, आपको परमेश्वर तृप्त कर रहा है। हालेलुया। हम किसी खाने से तृप्त हो जाते हैं, हम किसी खाने से तृप्त हो जाते हैं। हमें मिठाई अच्छी लगती है, मिठाई खाते हैं, हाँ 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 मजा आ गया। कुछ चीज अच्छी लगती है, हम खाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप सोचिए कि आपको परमेश्वर तृप्त करेगा। जो आपकी भूख होगी, जो आपकी प्यास होगी, पूरी तरीके से आपको तृप्त कर देगा, आपकी हड्डियों को शक्ति देगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये एक दो दिन नहीं, लगातार। लेकिन कभी कभी हमारे कलीसिया में हमारे भाई 2-3 महीने में एक बार आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर उनके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप उनके अंग बने रहिए, अपनी समस्याओं को आप भूल जाइए। क्या कहता है? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, हर घड़ी हर संकट में वो तुझे हाथ पे उठा रहे रखेगा। कैसे लिए चलेगा? चलाएगा तुझे नहीं, तुझे गोदी में लिए चलेगा।
हेलो, आप चर्च के संग जुड़े रहिए, कलीसिया के संग जुड़े रहिए। यहोवा तुझे लिए चलेगा, तुझे ही नहीं तेरे बच्चों को लिए चलेगा। हम काम करते, हम कहते कि नहीं साहब, इस संडे को हमें छुट्टी नहीं मिलती है, संडे को कोई मेहमान आ जाता है, ये आता है, वो आता है। अरे नहीं भैया, आप उसका महत्व समझिए, कलीसिया का महत्व समझिए। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। हेलो, आप जानते हैं परमेश्वर के संग जुड़ने का महत्व, कलीसिया के संग जुड़ने का महत्व, उसका अंग बनने का महत्व। तेरे सोते का जल, ऐसे सोते के साथ जिसका जल कभी नहीं सूखेगा, तुझे ऐसा सोता बना देगा, तेरा जल कभी नहीं सूखेगा। हम कलीसिया के संग जुड़े रहे, हम वचनों के संग जुड़े रहे, जो कहता है हम करते रहे। मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूं, सिर्फ उस पर विश्वास करिए और वचन पर चलिए। इसी का 12वां दूसरा पार्ट। तेरे वंश के लोग, तू वहां से पढ़ो, तू पीढ़ी की पीढ़ी पड़ी हुई नेव पर धर उठाएगा। जो कलीसिया में आते हैं, जो कलीसिया से जुड़े रहते हैं, वो अपनी पीढ़ी की पीढ़ी नींव को उठाएगा। आपके द्वारा आपकी पीढ़ी उठाई जाएगी। आपके द्वारा आप के जो रिश्तेदार हैं, जो पीढ़ी है, वो आशीष पाएगी। कलीसिया ये है, कलीसिया का महत्व ये है। आप ही नहीं, आपके बच्चों का ही नहीं, आपकी जो पीढ़ी है, जो गई है, उसको तो आप उठाएंगे, जो आने वाली है। तू पीढ़ी की पीढ़ी, पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा और पतों को ठीक करने वाला पड़ेगा। तेरा नाम पड़ेगा कि सुधारने वाला है, लोगों के जीवन को सुधारने वाला ये भाई जा रहा है। ये भाई है जिसके जीवन में जिसके द्वारा आशीष मिलता है। आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप पूरे हफ्ते कहीं जाए या ना जाए, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमोथियस 3:15, यदि मेरे आने में विलंब हो जाए तो तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का स्तंभ और आधार है, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने तीमोथियस को बताया कि तू कलीसिया में बता कि जो कलीसिया में लोग आते हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। हेलो, क्या है कलीसिया? परमेश्वर का परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 5:29-31-32, कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। हाँ जी, बताइए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण। हर आदमी अपने शरीर से प्यार करता है। कितने लोग अपने शरीर से प्यार करते हैं? हालेलुया। अरे सच तो बोलो यार, आप शरीर से प्यार नहीं करते क्या? हेलो यार, इसमें भी आप ऐसे हाथ उठाते हैं, पता नहीं मैं क्या पूछ लूंगा। कितने लोग अपने शरीर से प्यार करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
अगर आप अपने शरीर से प्यार करते हैं तो क्या यीशु मसीह अपने शरीर से प्यार नहीं करता? और यीशु मसीह का शरीर कौन है? कलीसिया। यीशु मसीह का शरीर कौन है? कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? आप अपने शरीर से प्यार करते हैं तो यीशु मसीह उससे ज्यादा अपने शरीर से प्यार करता है। आगे लिखिए, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, वरन उसका पालन पोषण करता है। कोई भी आदमी, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आमीन। क्योंकि इस तरह मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, यानी कलीसिया के का पालन पोषण कौन करता है? तो आपको अपने पालन पोषण के लिए सोचना चाहिए, मुझे तो बस कलीसिया के संग जुड़ा रहना चाहिए। मुझे शरीर के संग जुड़ा रहना चाहिए। मेरा पालन पोषण कौन कर रहा है? परमेश्वर। उसको करना है। हेलो, उसको करना है, क्योंकि हम उसके अंग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम क्या है? उसके संग जुड़ जाएं। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उससे अलग हैं, हम उसके अंग नहीं है। प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि हम उसके अंग नहीं बने। आप कलीसिया के अंग बनिए, मसीह आपका पालन पोषण करेगा। ये जिम्मेदारी उसकी है, आपकी नहीं है। एक हाथ की जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने पालन पोषण करे। हाथ का तो मतलब है जुड़ जाना, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाथ के जो काम है वो करना। 32। यह भेद तो बड़ा है। नहीं, 31 है, 29, 30, 30, 30, सॉरी 30। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। क्योंकि हम उसकी देह के अंग है, इसलिए वो हमारी पालन पोषण करता है, इसलिए वो अपने शरीर का पालन पोषण करता है। आगे, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कलीसिया को क्या बताया गया है, ध्यान दीजिए। इसको समझने की कोशिश करिए आप, जो समझ जाएगा वो अद्भुत आशीष पाएगा। अब कलीसिया को क्या बताया गया, देखिए। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो यही सेंटेंस उत्पत्ति 2:24 में परमेश्वर का है, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया था। हालेलुया। इसके बाद का क्या, 32वां दिखाइए, तब ये क्लियर होगा। यह भेद तो बड़ा है। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यानी कि कलीसिया कौन है? दुल्हन। मैं कौन हूँ? एक वर। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अपनी दुल्हन के संग एक तन एक मन होकर रहना है। और संसार से अलग रहना है। 31वां दिखाइए, 31वां। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर संसार को छोड़कर, किसको छोड़कर? हेलो, किसको छोड़कर? संसार को छोड़कर। कलीसिया से जुड़ना आसान नहीं है। अगर आप कलीसिया में संसार को लेकर आएंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। संसार को छोड़कर आइए, परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा। इसलिए वो कहता है कि इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से, किससे? कौन है आपकी पत्नी? दुल्हन से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी दुल्हन से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। कलीसिया और मेरा जो रिश्ता है वो एक तन एक मन का है। कलीसिया इतने इंपॉर्टेंट है। पौलुस कहता है, ये बात मैंने मसीह और कलीसिया के बारे में कही है। मसीह की देह मसीह कलीसिया के लिए क्या है? दुल्हन। 32वां दिखाइए।
यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। इसलिए जब मसीह की दुल्हन कलीसिया है तो मसीह अपने दुल्हन का पालन पोषण करने में सक्षम है। हेलो, यानी कि मसीह की दुल्हन और मसीह एक तन है। इसलिए अगर आप कलीसिया को महत्व नहीं देते हैं, इसका मतलब आप मसीह को महत्व नहीं देते हैं। अगर आप कलीसिया को ठट्टों में उड़ाते हैं तो आप मसीह से प्यार नहीं करते। कलीसिया और मसीह एक तन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें उस रिश्ते को, उस रिश्ते की इज्जत करनी है, उस रिश्ते को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए कलीसिया क्या है। इसलिए कलीसिया में आना, कलीसिया में रहना, कलीसिया के अनुसार चलना, उसके अनुशासन के साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि कभी भी आप आएंगे, बाइबल का पढ़ते हुए आएंगे, अपने अनुसार आप यहाँ पर आएंगे जाएंगे, नुकसान आप ही का है, मेरा नहीं है, नुकसान आपका है। हमें एक दिन प्रभु ने दिया है, हम अपने मन से उसको प्यार करें, हम उस शरीर में बिल्कुल जुड़े रहें, हम हर वो काम करते रहें जो हमारा, हमें जो दिया गया है धन्यवाद के साथ। चेयर्स लगाने का काम दिया गया, चेयर्स करिए। बाथरूम साफ करने का काम दिया गया है, बाथरूम साफ करिए। वर्शिप का काम दिया है, समर्पण के संग करिए। झाड़ू पोछा लगाने का काम अगर आपके हक में आता है, दिल से करिए, क्योंकि आप अंग हैं। ये नहीं यहां से साफ किया, उधर कोने में रह गया, उसको जल्दी जल्दी से करके, नहीं, परमेश्वर देख रहा है, घर परमेश्वर का है, ये कलीसिया उसकी दुल्हन है। जिस ईमानदारी के संग, जिस समर्पण के संग आप इस दुल्हन के साथ रहेंगे, उस दुल्हन को का आप पालन, उस दुल्हन को सेवा करेंगे, आपका पालन पोषण निश्चित है। दूर बैठे आपके माँ बाप का पालन पोषण आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। यशाया 58:12 कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी पीढ़ी आपके आपकी वजह से आशीष पाएगी। अगर यहां पर आप अपने कलीसिया के संग जुड़े गए हैं, विश्वास करिए मसीह आपके परिवार को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है आपको क्या चाहिए। इसीलिए कलीसिया को परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है, यीशु मसीह लेने आ रहा है। और कैसी कलीसिया होनी चाहिए? इफिशियन 5:27। कैसी कलीसिया होनी चाहिए? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, और इस कलीसिया को हमें ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाना है, बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झूरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। इफिशियन 5:27 यानी कि हमें कलीसिया कैसे बनानी है? तेजस्वी और निष्कलंक, ये गुण, जूरी। हेलो, ये गुण किसके? एक दुल्हन के गुण है। आप दुल्हन देखिए, आपको कैसी दुल्हन चाहिए? तेजस्वी, उसका रूप तेजस्वी हो, जब आप उसका घूंघट उठाएं तो उसके चेहरे पर तेज चमके। हालेलुया। कैसी दुल्हन आपको चाहिए? तेजस्वी। हमें कैसी दुल्हन बनना? तेजस्वी। और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो।
कैसी दुल्हन चाहिए आपको? पवित्र और निर्दोष, जो कि जिसमें कलंक ना हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कैसी कलीसिया को लेने आ रहा है? ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है। इसलिए हमें उसके संग जुड़कर पवित्रता के साथ, निष्कलंकता के साथ, निर्दोष पाप से, निर्दोष भावना से, पवित्रता के साथ उसके संग एक रहना है, एक रहना है। क्योंकि मेरे भाई, आपका पाप इस दुल्हन के अंदर दाग ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम कलीसिया में सब उसके अंग हैं। आपकी वजह से कहीं कलीसिया पवित्र ना हो जाए तो हम सबको अपनी अपनी पवित्रता को कायम रखना है, अपने अपने काम को देखना। वो कैसा कर रहा है वो जाने, वो कैसी कर रही है वो जाने, हमें अपने आप को देखना है कि हम अपने आप को पवित्र रखें, निर्दोष रखें, निष्कलंक रखें, निष्पापी रखें, हमारी वजह से कलीसिया में कोई झुर्री ना आए। क्योंकि कलीसिया को चलाने वाला पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हमें मान और सम्मान देना मेरे भाई। इसलिए कलीसिया को लेने के लिए यीशु आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। अब कलीसिया में रहते हुए हम एक परिवार है। हालेलुया। पहला तिमोथियुस 3:15 क्या कहता है? कि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी संगति किस में होनी चाहिए? परिवार में, कलीसिया में। हेलो। यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेविकाई की। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते थे, विश्वासियों के संग रहते थे। उनकी संगति में फारसी नहीं आए, सदूकी नहीं आए, उनकी संगति में यूनानी नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। उनकी संगति विश्वासियों के संग थी। हाँ, वो सुसमाचार सुनाते थे, चंगाई करते थे अन्य जातियों के लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर अपनी संगति में आ जाते थे। कभी कभी हम अपने परिवार से, अपने हमारे अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि हम एक दूसरे से नाखुश हैं। हम उसके पास जाना नहीं चाहते, वो हमारी बहन है, हम उस भाई को पसंद नहीं करते हैं। गलत है। हम उस इस कलीसिया के अंग हैं और हमारी संगति हमारे परिवार को बढ़ाती है। इसलिए अगर आप कहीं रहते हैं और आपके पड़ोस में कोई ऐसी बहन रहती है जो आपके कलीसिया में आती है, जो थोड़ी कमजोर है, आप उसके घर जाइए और वचनों के द्वारा उसे और उत्साहित करिए, उसे मजबूत करिए, क्योंकि वो आपकी बहन है, वो भी एक अंग है। हेलो। जिस शरीर का आप अंग है, इसी तरीके से वो भी अंग है। लेकिन हम लोग नहीं करते। हम जाते हैं संडे को, अपने अपने घर में छुप जाते हैं। हम विश्वासियों को एक हफ्ता परमेश्वर ने घर में बैठने के लिए नहीं दिया है। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो आप और आपका जो शरीर का जोड़ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप आज से आजमाइए, आप घर जाइए यहां से और एक हाथ का इस्तेमाल मत करिए, एक हफ्ता मत करिए, एक पैर का इस्तेमाल मत करिए, संडे को करिएगा। देखिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसका इस्तेमाल करना है। शरीर तभी समृद्ध रहेगा ना जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। आप मीटिंग से जाते हैं और उस हाथ का, उस पैर का, अपने अंग का इस्तेमाल ही नहीं करते। आप अंग हैं, घर में बैठ जाते हैं। आज ये प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है। आपका जो अंग है, जिसको संडे को परमेश्वर का आशीष मिला,
उस एक हफ्ते में उस आशीष को, उसके कार्य को, उसके सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को आप दबा देते हैं। आपके हाथ में शक्ति काम करने से आएगी या हाथ को रोकने से आएगी? प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक अंग है, अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है? आपको पूरे, आप एक शरीर का अंग है। आप में आपको बहुत आशीष है कि जो आपको पलिसिया में परमेश्वर ने अपना अंग बना लिया। आप इस चीज को समझिए। लेकिन अगर आप संडे के संडे ही अंग बनेंगे और इन 6 दिनों में आप काम नहीं करेंगे, आप मत कहिए कि मैं एक निर्झुर्री, झुर्री के बिना कलीसिया में जाता हूं। नहीं, आपके द्वारा ही, आपके अंदर ही कोई ना कोई ऐसी शैतान काम करेगा जो आप अपना सामर्थ्य खो बैठेंगे। देखो, यीशु मसीह कहता है कि जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में, तेरा सामर्थ मुझ में कब आता है? जब मैं तुझ में बना रहता हूं। सिर्फ एक दिन बना रहता हूं नहीं हूं, यीशु मसीह पूरी जिंदगी परमेश्वर में बने रहे थे, उठते खाते बैठते सोते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब उनके माँ बाप, जब उनकी माँ और भाई मिलने के लिए आए, यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन है? मत्ती 12:47-50, Matthew 12:47-50। देखिए, यीशु की संगति विश्वासियों के साथ थी। यीशु के जो भाई थे उसका मजाक उड़ाते थे, वो समझते नहीं थे कि यीशु मसीह कौन है। Praise the Lord. वो समझते थे कि इसका चित्त बिगड़ गया है, पता नहीं कौन सी बातें करता रहता है। किसी ने उससे कहा, देख, जब वो भीड़ से बातें कर रहा था, किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। तेरे भाई और तेरी माता बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। 48। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बता दिया, जो परमेश्वर की देह के अंग है वही मेरे भाई हैं, वही मेरी माता है, वही मेरी बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कलीसिया का सर है। जो उसके शरीर से नहीं जुड़े हुए वो उसकी माता बहन नहीं है, भाई नहीं है। इसलिए हमारी संगति विश्वासियों में होनी चाहिए और मंडे से लेकर शनिवार तक हम परमेश्वर के अंग बनकर हमें काम करना चाहिए। परमेश्वर, यीशु कहता है, जो मेरी देह के संग जुड़े हुए हैं उनका पालन पोषण मैं करूंगा। Praise the Lord, ये कलीसिया है। इसलिए यीशु जो संगति लेकर चला है वो संगति क्या है? परमेश्वर के बच्चों की। देखिए, पतरस, हेरोदेस जो राजा था जब ये लोग पतरस थे, उस जमाने में योहन्ना के भाई याकूब को हेरोदेस ने मरवा दिया। उस समय जब कलीसिया चलती थी तो बहुत सताव था, जब ये लोग प्रभु का संदेश देते थे तो इनको सताया जाता था। और उसी उसमें हेरोदेस ने याकूब के भाई योहन्ना के भाई याकूब को मरवा दिया, जिससे यहूदी लोग खुश हुए। उन्होंने बहुत खुश हुए तो अल्टीमेटली उसने पतरस को भी जेल में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए आप एक्स प्रेरितों का काम 12:5-12 के बीच में ध्यान से समझिए। इस प्रकार पतरस बंदी गृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया का काम क्या है? आप एक अंग हैं,
आप एक अंग हैं शरीर के। अगर हमारे जीवन में हमारे भाई हमारी बहन को कहीं कोई दुख होता है तो हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी है। पत्रस को बंदी गृह में रखा गया, क्या लिखा हुआ है? पूरी कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लॉ लगाकर प्रार्थना करती रही। यहां क्या लिखा हुआ है? सो बंदी गृह में पत्रस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर, आमीन, एक मन से, आंसुओं से, रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि हे पिता परमेश्वर, पत्रस को बचा। लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, ये नहीं कि एक मैसेज आया, चलो प्रार्थना कर, ओके ओके प्रार्थना कर लिया, हमारा भाई पत्रस है, ओके ओके ओके, नो, लगातार प्रार्थना। हमारा जीवन प्रार्थना है मेरी बहन। अगर आपने अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन नहीं बनाया तो कभी भी आप शैतान के कब्जे में आ सकते हैं। सुबह उठ के प्रार्थना करिए, समय मिले दोपहर को प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, रात को सोते समय प्रार्थना करिए। तो पतरस को बचाने के लिए कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करती रही। जिस रात्रि को हेरोदेस उसे बाहर ले जाने वाला था, पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सैनिकों के बीच में सो रहा था और प्रहरी द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। और देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत एकाएक प्रकट हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठ, और उसके हाथों से जंजीरें गिर गईं। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन कर रहा था? स्वर्गदूत। क्यों कर रहा था? क्योंकि कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया का महत्व आप जानिए। असंभव को संभव करने के लिए कलीसिया है। असंभव को संभव करने के लिए आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन को हिलाएंगी। परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। आठवां, स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और वो बाहर निकला और उसके पीछे पीछे चलता गया। परंतु उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो वास्तविक है, पर उसने ये सोचा कि जो मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। जब वे पहले और दूसरे पहर से निकल कर लोहे के उस फाटक पर गए जो नगर की ओर जाता है, तो वो उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकलकर एक गली की ओर खड़े हो गए और तुरंत स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस सचेत हुआ और उसने कहा, अब मैं निश्चय पूर्वक जान गया हूँ कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहा था परमेश्वर यहां पर? अपने बच्चे की रक्षा कर रहा था स्वर्गदूत भेजकर, क्योंकि उसके लिए प्रार्थनाएं चल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे चर्च में 125 भाई बहन आए हुए हैं। आप अगर उनसे मिलेंगे नहीं, आप अगर उनकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे नहीं, तो क्या उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो आशीष पाएंगे? नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम क्या है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम चुने हुए हैं। हमारी एक बहन के घर में मान लीजिए दुख है और मैं वहां पर जाता हूं और मुझे पता लगता है कि वहां पर दुख है और बहन इस मुश्किल से है, प्रेज द लॉर्ड, मैं उसको सांत्वना देता हूं, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं यही नहीं रुकता हूं, मैं वापस आकर अपने अगुओं को बुलाता हूं या उनको फोन करता हूं और हम लोग मिलकर उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमारा काम है।
और उस बहन को आशीष मिलता है। वो पहचानती है कि सरदूत कौन है। वो जानती है कि अचानक क्या हो गया मेरे जीवन में, ये बाहर कहां से आई, ये रुकावटें कहां से दूर हो गई, जो असंभव था वो संभव कैसे हो गया। लेकिन जब उसको मालूम चलता है कि हमारे जो अगुवे हैं वो उनके लिए दिन रात रो रो के लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, तो वो भी एक अगवी बन जाती है, वो भी एक अगवा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा काम है लेकिन हम नहीं करते, हमें पता हम नहीं करते। याकूब 4:17 क्या कहता है, थोड़ा सा आपको मिलवाऊं वचने से। याकूब 4:17 क्या कहता है, जेम्स 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। आमेन। हेलो, क्या कर रहे हैं आप लोग? पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो पापी मनुष्य परमेश्वर से मिल सकता है? जो कोई भला काम करना जानता है, जो कोई वचन पे चलना जानता है, जो कोई प्रार्थना करना जानता है और वो अगर नहीं करता है तो वो पाप करता है। और अगर आपको ये पाप मंजूर है, न्याय करने वाला वो है। आज मैं खुश हूं लेकिन अगर मेरे बच्चे के पैर में कांटा लगा हुआ है तो क्या मैं घर में खा भी सकता हूं? अगर आपके बच्चे के पैर में कांटा लगाएगा आप खा पी क्या सोकेंगे? सोएंगे अपने घर पे? नहीं, मैं अपने बच्चे के पैर का कांटा निकालना है मुझे। yes. बहन, जिस तरीके से आपका बच्चा आपके घर में आपके सामने है और उसके कांटे को आप निकालती हैं, उसी तरीके से जितने बहने भाई हैं ये सब हमारा परिवार का हिस्सा है। yes. क्योंकि ये कलीसिया का परिवार है, ये कलीसिया है परमेश्वर का परिवार। इसलिए हमें अपने अपने समय को निकालना है, ये नहीं मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास ये बहुत है, मेरे वो, सब लोगों के पास काम है। परमेश्वर बहुत बिजी था तब भी उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। इसलिए एक अंग होने के नाते कलीसिया के बाद आपको सबसे मिलना चाहिए, एक अपना रिश्ता बनाना चाहिए। मिलिए, क्या हुआ बहन, क्या हुआ भाई, आप क्यों परेशान हैं, क्यों परमेश्वर कहता है कि आपको संगति विश्वासियों के साथ करनी है। पत्रस को बचाने वाली कौन सी थी? संगति थी उसकी, उसके लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो संगति में रहता था। हमारे लिए संगति बहुत जरूरी है, नए लोगों को ना सही, हम पुराने लोगों को तो जाए उनके घर में, उनसे उनसे उनका हाल पूछे। हेलो, हम अकेले रहते हैं तो अकेला रहना गलत है। पर आदम के लिए हवा को बनाया था परमेश्वर ने ताकि एक मन हो, अकेला ना रहे आदम। हम भी जब यहां से जाते हैं अकेले ना रहें, उस संगति में रहें जो परमेश्वर की है, जो अपने भाइयों की है, जो विश्वासियों की है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए संगति बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया का जो महत्व है हमारे लिए बहुत 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 बढ़कर है। इसलिए हमें कलीसिया का महत्व समझना है, कलीसिया के इम्पोर्टेंस को जानकर कलीसिया में उसी रीति से आना है जैसे परमेश्वर चाहता है। और विश्वास करिए, आप कलीसिया से जुड़े रहिए, आपका पालन पोषण अपने आप होता रहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप जाती रहेंगी।